नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मिथुन राशि में सूर्य का प्रवेश, क्या होगा हम सब पर असर? दोस्तों, सूर्य ग्रह 15 जून को वृष राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 16 जुलाई तक इसी में स्थित रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि यह गोचर आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा। मेष, सूर्य का गोचर मिला जुला परिणाम लेकर आ रहा है, ऐसे में इस गोचर के दौरान आपके निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी और आपका आत्मबल मजबूत होगा। आपके स्वभाव में उग्रता आ सकती है, जिसका विपरीत प्रभाव आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ सकता है। इस गोचर काल के दौरान कार्य क्षेत्र में आपकी नेगेटिव छवि बन सकती है। वहीं परिवार में पिता के साथ वैचारिक मतभेद होने की संभावना भी है। छोटे भाई बहनों का स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या आ सकती है। उपाय, पितरों की पूजा करें। वृष, आपको अच्छी आमदनी होने की संभावना है। आप अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देकर अच्छा खासा लाभ उठा सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से सूर्य का ये गोचर आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, अतः इस दौरान अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें। यदि आप शादीशुदा है तो इस दौरान अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि गोचर काल का विपरीत प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। परिवार में किसी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उपाय, छोटी कन्याओं की सेवा करें और उनका आशीर्वाद लें। मिथुन, सूर्य का ये गोचर आपके स्वभाव में आक्रात्मकता ला सकता है, जिसका विपरीत प्रभाव आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में देखने को मिल सकता है। इस दौरान जहां एक तरफ आपके पार्टनर के साथ झगड़े हो सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ जीवन साथी के साथ भी वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः अपनी वाणी में सौम्यता बनाए रखें। स्वास्थ्य के लिहाज से सूर्य का ये गोचर आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इस अवधि में आप बुखार और सिर दर्द की समस्या से पीड़ित हो सकते हैं। उपाय, प्रत्येक रविवार के दिन गुड़ का दान करें। कर्क, विदेश यात्रा का सुख प्राप्त हो सकता है। शत्रुओं पर विशेष रूप से विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान यदि आपका कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। आर्थिक रूप से खासा नुकसान हो सकता है, खर्चों पर काबू रखें। स्वास्थ्य को लेकर खासी सावधानी बरतने का समय है। यदि आप व्यापारी हैं तो इस गोचर काल में आपको विदेशी स्रोतों से निवेश करने के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। कर्क राशि के जातकों को खास तौर से अपने जीवन साथी की सेहत का भी विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। उपाय, भगवान शिव की आराधना करें और उन्हें गेहूं अर्पण करें। सिंह, सूर्य के गोचर की यह स्थिति विशेष रूप से लाभदायक साबित होने वाली है। समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आप अपने दोस्तों के बीच भी आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे। दोस्त और पार्टनर दोनों का भरपूर साथ मिलेगा। अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ आपके अच्छे संबंध स्थापित हो सकते हैं। सरकारी योजनाओं से आपको अचानक लाभ प्राप्त हो सकता है, जबकि प्रेम जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। उपाय, माथे पर केसरिया तिलक लगाएं। कन्या, गोचर आपके कार्यक्षेत्र और व्यापार के क्षेत्र में खासा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। बिजनेस में मुनाफा होगा, पदोन्नति की संभावना है। कार्यक्षेत्र में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपकी मेहनत की सराहना होगी। किसी विदेशी स्रोत से लाभ हो सकता है। परिवार में किसी बात को लेकर अशांति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। माता पिता की सेहत का खास ख्याल रखें। इस राशि के छात्रों को विशेष लाभ मिलने वाला है। यदि आप परिश्रम करते हैं तो इसका फल आपको जरूर मिलेगा। उपाय, सुबह 8 बजे से पूर्व सूर्य मंत्र का जाप करें। सूर्य मंत्र है ओम गृणी सूर्याय नमः। तुला, आर्थिक स्तर पर बड़े फायदे मिल सकते हैं। आय में भी बढ़ोतरी होगी। अनजान स्रोत से लाभ की संभावना बन सकती है। यात्रा आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। कार्यक्षेत्र में सुखद लाभ देखने को मिल सकता है। बॉस आपकी तारीफ करेंगे और सहकर्मी आपके सहयोग के लिए हमेशा साथ नजर आएंगे। सरकारी कर्मचारियों को सरकार की तरफ से कोई खास तोहफा मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में भाई बहनों के साथ पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उपाय, सूर्यदेव को प्रातःकाल तांबे के पात्र में जल ढालकर अर्घ दें। वृश्चिक, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह गोचर प्रतिकूल साबित होने वाला है। सेहत का ख्याल रखने की आवश्यकता है।
बोलचाल में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। किसी भी प्रकार के मतभेद की स्थिति में ना पड़े किसी अनचाही यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है, लेकिन ये यात्रा आपके लिए फलदायी रहेगी। सूर्य के प्रभाव से आपको कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति का पालन करना पड़ सकता है। उपाय: देवी की आराधना करें और उन्हें गुड़ का भोग लगाएं। धनु: जीवन साथी के से किसी विशेष प्रकार का लाभ प्राप्त हो सकता है। सूर्य का प्रभाव आपके लिए सामाजिक रूप से लाभदायक होने वाला है। समाज में आपकी छवि में सुधार होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में आएंगे। उच्च अधिकारियों से लाभ हो सकता है। प्यार के रास्ते में कुछ मुसीबतें जरूर आ सकती है, लेकिन अंत में जीत आपकी ही होगी। बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए भी गोचर बेहद फलदायी साबित होने वाला है। अचानक ही किसी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। उपाय: जल और कुमकुम मिलाकर सूर्य भगवान को अर्घ अर्पित करें। मकर: आपके दुश्मन पराजित होंगे और आपके कार्यों में सफलता आप प्राप्त कर सकेंगे। पिछले कर्जों से मुक्त होने के लिए बेहद उत्तम समय है। सूर्य के गोचर के दौरान खासतौर से वाहन चलाते वक्त विशेष सावधानी रखना जरूरी है। यदि आपको कोई आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में खुद को साबित करने के लिए आपको विशेष मेहनत करनी पड़ सकती है। लिहाजा कामकाज में सफलता के लिए मेहनत करने से किसी भी कीमत पर पीछे ना हटें। उपाय: रविवार के दिन बैल को गेहूं और गुड़ खिलाएं। कुंभ: बच्चों की सेहत का विशेष ध्यान रखें। आपके अहंकार पर काबू रखें, नहीं तो रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। यदि आप शादीशुदा है तो इस गोचर का लाभ विशेष रूप से आपके जीवनसाथी को मिल सकता है। कार्यक्षेत्र की बात करें तो नौकरी पैसा लोग इस दौरान किसी नई नौकरी के से जुड़ सकते हैं। हर तरफ से सफलता का समाचार मिलेगा, खुशी घर में दस्तक देगी। उपाय: रविवार के दिन तांबे का दान करें। मीन: माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर इस समय आप परेशान हो सकते हैं। घर में शांति के लिए छोटी छोटी बातों पर अपनी प्रतिक्रिया न व्यक्त करें। कार्यक्षेत्र में आप अपनी मेहनत के बलबूते अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे, लेकिन आप उससे बाहर निकलने में कामयाब होंगे। निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी और आप सभी परिस्थितियों के लिए खुद को संभालने में कामयाब रहेंगे। उपाय: रविवार के दिन गेहूं का दान करें। तो इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।